डियर स्टूडेंट्स uh, हम लेवल्स ऑफ़ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं और हमने लास्ट मड्यूल में देखा था कि हम ऑन दी बेसिस ऑफ मेजरमेंट कैसे वेरिएबल को चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फ्रॉम नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल टू कॉन्टीन्यूस वेरिएबल आज हम बात करेंगे कि जब हम किसी वेरिएबल को सोशल साइंस रिसर्च और पर्टिकुलरली क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी में uh, जो मेजर करने का उसका प्रोसेस होता है उसमें Uh, दो चीज़ें देखेंगे जो कि कॉन्सैपचुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम वेरिएबल को दो लेवल पे डिफाइन करते हैं फर्स्ट uh, उसकी हम एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बनाते हैं और सेकंड लेवल पे उसकी इम्पेरिकल डेफिनेशन बनाते हैं जिसकी बेसिस पे हम उसको मैयर करते हैं तो अगर हम देखें व्हाट इज़ कॉन्सैपचुअलाइजेशन कॉन्सैपचुअलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग क्लियर रेग्रेस सिस्टमेटिक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन फॉर एब्सट्रेक्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट जैसा कि आपको मालूम है कि सोशल साइंस में वन वी स्टडी ओपिनियन बिहेवियर एटीट्यूड तो हमारे पास आ, कोई उनका नेचुरल साइंसिस की तरह एक क्लियर कट मैकनिज़म नहीं होता डिफाइन करने का हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वेरिएबल है उसको डिफाइन करना पड़ता है थ्योरेटिकली जैसे कि अगर आप सोशल कैपिटल को मैयर करना चाहते हैं या आप सेल्फ़ एफिकेसी को मैयर करना चाहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को मैयर करना चाहते हैं या सेल्फ़ इस्टीम को मैयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी थ्रेटिकल डेफिनेशन डेवलप करनी हो होगी जो कि इन शेप ऑफ डेफिनेशन क्लियर डेफिनेशन हो और वो सिस्टमेटिक भी हो और इस डेफिनेशन को हम कंसेपचुलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल कहते हैं कॉन्सेपचुअल डेफिनेशन uh, बनाने के बाद जो है हम ऑपरेशनलाइजेशन uh, के प्रोसेस पे आ जाते हैं और उसकी एक ऑपरेशनल डेफिनेशन डेवलप करते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन इज़ अ डेफिनेशन इन विच अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक एक्शन टू मैर और इंडिकेट इट इन द एम्पेरिकल वर्ल्ड जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि अगर हमारे पास सोशल uh, कैपिटल का एक वेरिएबल है तो हम इसको डिफाइन करते हैं द सम ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स अ पर्सन ओन्स इन द सोशल नेटवर्क तो ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है अब इसकी अगर हम एम्पेरिकल uh, डेफिनेशन बनाएंगे ऑपरेशनलाइज करेंगे तो हम उसके लिए हम देखेंगे कि उसके नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स कितने हैं उसके नंबर ऑफ क्लोज फ्रेंड्स कितने हैं उसके बाद उसका रिलेशनशिप विद कोलीग्स कैसा है ऐसे जब हम उसके एम्पेरिकली एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को ऑपरेशनलाइज करते हैं मयरेबल फॉर्म में तो हम उसको ऑपरेशनलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं और इस डेफिनेशन को हम ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में हर वेरिएबल चाहे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इंटरवीनिंग वेरिएबल हो हम तमाम वेरिएबल को पहले कॉन्सैपचुअलाइज करते हैं और फिर उसको ऑपरेशनलाइज करते हैं इट मीनस टू से दैट कि हम पहले उनकी एक कन्सेपचुअल डेफिनेशन बनाते हैं जो कि थियोरिटिकल होती है और फिर उसकी इम्पेरिकल डेफिनेशन बनाते हैं जो कि एम्पेरिकल इन नेचर होती है जिसको हम ऑपरेशनल डेफिनेशन भी कहते हैं तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो पहले वेरिएबल को डिसाइड किया जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में फिर उसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बनाई जाती है कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बनाने के बाद हम उसको ऑपरेशनल डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं जहाँ पे हम आ, उसको मैयर करने के जो है स्केल डेवलप करते हैं या उसका मैयर करने का इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं तो ऐसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये क्वालिटेटिव रिसर्च से थोड़ा मुख्तलिफ प्रोसेस है क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जो है ऑपरेशनल डेफिनेशन डेवलप नहीं करते ना ही उसके कोई इंडिकेटर्स बनाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जो है एक डेफिनेशन जो कि थोरेटिकल इन नेचर होती है उसकी बेसिस पे ही हम उस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं